यह नॉइस फिट गोट टू बस कॉलिंग फीचर्स के साथ। अभी इसका प्राइस चल रहा है 2500 रुपीस। मैंने खरीदा 1500 में फ्लिपकार्ट के लास्ट डे शॉपिंग पर, और आप देख सकते हो कि हाथ में कैसा लग रहा है। एक स्पोर्टी लुक आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपका रिस्ट का साइज काफी ज्यादा छोटा है तब तो आप इसे मत ही लेना, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ये काफी ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो कि मेरा पूरा हाथ ऑलमोस्ट कवर हो गया वॉच से, और मेरा रिस्ट नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा मोटा, एवरेज है आप देख सकते हो। सो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट पर्सन हो, तब आप इसे ले सकते हो, हाथ पे कमाल लगेगा। और अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट 5.3 ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, और कॉलिंग फीचर्स तो है ही, और HR मॉनिटर और SPO2 मॉनिटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटर नहीं है, और वॉच का जो UI है हल्का हल्का सिमिलर है फैट बोल्ट के वॉचेस से। नॉइस की वॉचेस में जो UI होता है उस टाइप का UI आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, इस वॉच में आपको मॉन्स्टर साइकिल का फीचर्स नहीं मिल रहा है, और 60 स्पोर्ट्स मोड है। और इन्होंने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है या नहीं, तो वाटर रेजिस्टेंस शायद इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक वाटर टेस्ट करके देखेंगे सर्वाइव करता है या डेड हो जाता है। So, ऐसा दिखता है इसका बॉक्स। बॉक्स के ऊपर आपको नॉइस फिट कोट टू बस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। साइड में डिजाइन इन इंडिया, सो दोस्तों इंडिया नहीं है। दूसरे साइड लिसन टू द नॉइस विद इन, अपने टैगलाइन को इन्होंने यहाँ प्रिंट कर रखा है। और नीचे के साइड आप देख सकते हो ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस। कोई इशू होने से आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पीछे के साइड इन्होंने अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। थोड़े ही नीचे मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का बार कोड फिट कर रखा है, इसे स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सो आप देख सकते हो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ये कुछ पेपर वर्क इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ये है वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी नॉइस आपको प्रोवाइड करता है। और यह है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है। और यह है नॉइस के कुछ कूल स्टिकर्स चिपकाने के लिए। और यह है इसका चार्जिंग केबल, आप देख सकते हो छोटे से भी छोटा है, लेकिन क्वालिटी काफी बढ़िया है। और अब ये क्लोज लुक वॉच की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो वॉच का लुक सुपर्ब है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पर आपको एकदम प्लेन सपाट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले हल्का सा भी कर्व नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस है। और साइड का जो बाउंड्री है, बाउंड्री काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आपको कर्व बाउंड्री इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, ये भी पूरा प्लास्टिक का ही है। एक स्पोर्टी लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर से देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि साइड का जो फ्रेम है इन्होंने उसे हाइड कर रखा है। और वॉच का डायमीटर है 4.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको 11 mm का थिकनेस देखने को मिल रहा है, जो कि एवरेज ही है सारे वॉच की तरह। और यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, एक रिच लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और वॉच का जो आप पूरा बॉडी देख रहे हो ये पॉलीकार्बोनेट का है, जिस वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट हो जाता है। लेकिन वॉच के जो दो बटन है ये इन्होंने मेटल फिट कर रखा है, बटन मेटल का है, और दोनों ही बटन एक जैसे दिखते हैं। बटन्स का डिटेलिंग भी काफी बढ़िया है आप देख सकते हो। और यहीं पर ही आपको एक होल देखने को मिलेगा, जो कि है इसके माइक का होल। और प्लास्टिक का बैक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सारे सेंसर यहीं पर ही इन्होंने फिट कर रखे हैं, अपने ब्रांडिंग को भी इन्होंने यहाँ प्रिंट कर रखा है। और साइड में आप एक कट देख सकते हो, जो कि है इसका स्पीकर। दूसरे साइड आप देख सकते हो एकदम प्लेन सरफेस है, बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पर आपको 22 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिल रहा है, स्ट्रैप थोड़ा सा मोटा है, नॉर्मली सब में 20 mm होता है, क्योंकि बॉडी का साइज बड़ा है तो स्ट्रैप भी मोटा मांगता है भाई। स्ट्रैप का क्वालिटी ठीक ठीक ही है, लेकिन एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का रबड़ भी नहीं है और सिलिकॉन भी नहीं है, थोड़ा लो क्वालिटी का रबड़ मुझे ऐसा फील हो रहा है इसे पकड़ने पर। सो बेल्ट का बिल्ड क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और यहाँ पर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पीछे के साइड लिसन टू द नॉइस विद इन, अपने टैगलाइन को प्रिंट कर रखा है। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक का बक्कल देखने को मिल रहा है, सो इस वॉच में आपको सब कुछ प्लास्टिक का देखने को मिल रहा है, इसलिए काफी ज्यादा लाइट वेट बन जाता है ये। आप देख सकते हो ओनली 40 ग्राम, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है कॉलिंग फीचर्स के साथ। और वॉच को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको 1.28 इंच का 240x280 पिक्सल का TFT डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफी अच्छा है, आप देख सकते हो कलर रिप्रोडक्शन बेस्ट है इस वॉच का, एकदम ट्रू कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन शार्पनेस कुछ खास नहीं है, क्योंकि 240x280 है, तो नॉर्मल सारे वॉच की तरह ही है इसका शार्पनेस। और जैसे कि आप देख सकते हो बॉडी के कंपेरिजन में अंदर का जो डिस्प्ले है ये इन्होंने काफी ज्यादा छोटा रखा है, जिस वजह से ब्रेजल काफी ज्यादा मोटा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ब्रेजल को काफी ज्यादा मोटा रखा है इन्होंने। और अगर इसकी UI के बारे में बात करें, तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप लॉन्ग टच करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ वॉच फेसेस देखने को मिल रहा है, जिनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस को ही हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है या नहीं, और बैटरी परसेंटेज कितना है, डेट और वीक का फीचर्स आपको यहां देखने को मिल रहा है। और साथ ही में फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस कंट्रोल, फिर सेटिंग्स जिसमें से पहला ऑप्शन है डायल रिप्लेसमेंट, ये वही है वॉच फेसेस जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिर है स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स और मिनिमम 5 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। फिर है DND, आप यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हो। यह है हैंड गेस्चर, इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको 3 वाइब्रेशन
सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। फिर है ब्राइटनेस, सिस्टम जिसके अंदर है पावर ऑफ, रिस्टार्ट एंड रीसेट, क्यूआर कोड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अबाउट वॉच, और बैक आने के बाद अगर आप राइट साइड सेलेक्ट करते हो तो पहला ऑप्शन है एक्टिविटी रिकॉर्ड, जिसके अंदर टाइम और स्टेप का ही इन्फो आपको देखने को मिल रहा है। टाइम हमेशा जीरो ही रहता है, और स्लीप आप देख सकते हो जीरो दिखा रहा है क्योंकि मैं आज 2 घंटा पैनकेरी से सोया था तो ये कैलकुलेट नहीं किया। फिर है हार्ट रेट, SpO2, वेदर इन्फो काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको अपकमिंग 3 डेज का वेदर इन्फो देखने को मिल रहा है। तो बस दोस्तों इतना ही था, और अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करते हो तो पहला ऑप्शन आता है नॉइस हेल्थ, जिसके अंदर है हार्ट रेट, SpO2, एक्टिव रिकॉर्ड, स्लीप, ब्रीथ और वर्कआउट के अंदर आप देख सकते हो ऊपर मेन लिस्ट में इन्होंने कुछ वर्कआउट को ऐड कर रखा है और इसके प्लस में बाकी वर्कआउट है, तो आप प्लस में जाके अपने फेवरेट वर्कआउट को ऐड कर सकते हो। अगर मेन लिस्ट में नहीं है तो मेन लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार ऐड कर दिया तो आप रिमूव नहीं कर सकते हो, तो भाई सोच समझ के ऐड करना। फिर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, नॉइस बस, ये है इसका कॉलिंग फीचर। आप रिसेंट कॉल में देख सकते हो आपको सिर्फ नाम शो होगा, नंबर शो नहीं होगा अगर कॉन्टेक्ट सेव है तो। फिर डायल पैड, आप देख सकते हो डायल पैड ऐसा दिखता है कॉन्टेक्ट, तो आप इसमें मैक्सिमम 8 कॉन्टेक्ट ही ऐड कर सकते हो। फिर AI वॉइस, गेम्स, इसके अंदर आपको 2 गेम देखने को मिल रहा है। म्यूजिक कंट्रोल काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स मिल रहा है। फिर है मैसेजेस, वेदर, क्लॉक के अंदर है अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर। फिर है फ्लैशलाइट, फाइन फोन, रिमोट शटर, सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। और ऊपर वाले बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर जो ऑप्शन पॉपअप हुआ था सेम वही चीजें फिर से पॉपअप हो रही है। और नीचे वाला बटन है स्पोर्ट्स मोड का शॉर्टकट, और नीचे का साइड स्लाइड करने पर सारे दिन भर का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये वॉच इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को एकदम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। ये मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो आप देख सकते हो। तो बस दोस्तों इतना ही था, और इस वॉच में किसी भी तरह का रिंगटोन नहीं है, सो जब भी कॉल आएगा या नोटिफिकेशन आएगा तो वॉच वाइब्रेट करता है, यहाँ तक कि आप अलार्म भी सेट करोगे तब भी वॉच वाइब्रेट ही करेगा। इसमें कोई भी रिंगटोन नहीं है और सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही इसका स्पीकर एंड माइक काम करेगा। और इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में भी आप देख सकते हो सिर्फ कॉलिंग का फीचर्स ही है, ऑडियो का फीचर्स नहीं है, जिस वजह से आप फोन में जो भी एक्टिविटी करोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, रील देखोगे, तो वॉच फोन से ही आएगा, वॉच से नहीं आएगा, और सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही वॉच का स्पीकर एंड माइक काम करेगा, नहीं तो हमेशा बंद ही रहता है। और इसका वॉइस असिस्ट वायरलेस हेडफोन की तरह ही काम करता है, आप वॉच में जो भी बोलोगे फंक्शन एंड एक्शन फोन में होगा। और इसके नोटिफिकेशन में भी कोई इशू नहीं है, टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है और आप वॉच की हेल्प से कॉल भी कर सकते हो, और जब भी कॉल रिसीव होगा तो आप कॉल कट कर सकते हो और आप कॉल पिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको साइलेंट का फीचर्स नहीं मिल रहा है तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे इस वॉच में। कॉल पिक करने के बाद आप कॉल को म्यूट कर सकते हो, कॉल कट कर सकते हो और आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल ट्रांसफर का फीचर्स नहीं मिल रहा है, सो आपको अपना डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉल को स्विच करने के लिए वायरलेस TWS फोन या फिर वॉच में। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी हूँ कॉलिंग पे, और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा, और अगर आप ऐसे करके बात करोगे तो सही से आवाज पकड़ेगा, हाथ को इसे दूर ले जाने से सही से आवाज नहीं पकड़ पाता है। सो अगर आप ऐसे करके बात करोगे तभी कमाल कमाई के एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा, और अगर आप हाथों को ऐसे नीचे रख के बात करते हो तो अभी आप सुन सकते हो कि कैसा पकड़ रहा है आवाज को। सो दोस्तों बस यही था। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसका स्पीकर क्वालिटी एंड माइक परफॉर्मेंस कमाल का है, तो भाई आप इसे ले सकते हो, कॉलिंग परफॉर्मेंस बेस्ट आपको ये प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि आप कॉलिंग के फीचर्स को बंद नहीं कर सकते हो, हमेशा फोन के साथ कनेक्ट रहता ही है। और आप देख सकते हो फाइंड माय फोन भी एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है, अगर आपका फोन साइलेंट में भी होगा तब भी फाइंड माय फोन काम करेगा। और अगर इसके UI और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा स्मूथ UI आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, हल्का सा भी माइनर सा भी लैग आपको यहाँ महसूस नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा फास्ट UI है, आप स्लाइड करो स्लाइड मिस नहीं होता, अप डाउन स्लाइड करने पर भी काफी ज्यादा स्मूथ है और टच भी हमेशा रिस्पॉन्स करता है। सो यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट लगा मुझे इस वॉच का। और इस वॉच में आपको 500 नट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हो सनलाइट में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं और इसका ब्राइटनेस ठीक ठीक ही है, एकदम बेस्ट भी नहीं है और एकदम बर्बाद सा भी नहीं है, सनलाइट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राइटनेस क्वालिटी ठीक ठीक ही है। और वॉच का वेकअप हैंड जेस्चर आप देख सकते हो नॉर्मली सही से काम नहीं करता है, हाथ ऊपर उठाने से डिस्प्ले ऑन नहीं होता है।
लेकिन इसका रोटेटिंग हैंड गेस्चर काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो, आप धीरे हाथ घुमाओ, फास्ट हाथ घुमाओ, इसका रोटेटिंग हैंड गेस्चर हमेशा काम करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और हैंड गेस्चर भी ऐसे ही काम करता है, आपको हाथों को ऊपर उठा के ऐसे कलाई को घुमाना है, तभी हमेशा काम करेगा, कभी मिस आउट नहीं होगा। अजीब सा ये भाई इसका सेंसर, आप देख ही सकते हो। सो चलिए अभी एक स्टेप टेस्ट कर लेते हैं। 415 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, परफेक्ट। वंस मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आप देख सकते हो सही से काम नहीं कर रहा है। 444 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 480, once more, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप देख सकते हो सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काउंट कर रहा है। स्पोर्ट्स मोड का भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसके स्पोर्ट्स मोड में आपको स्टेप काउंट नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि स्टेप काउंट का एक्यूरेसी सही नहीं था, और मैं नहीं बता सकता कि एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि आप अभी जितना भी स्टेप चलोगे आधे घंटे के बाद शो करेगा कि आप आधे घंटे पहले कितना स्टेप चले हो, इसलिए ये सही से शो नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने जो डाटा देखा वो मेरे आधे घंटे पहले का था। सो इसीलिए इसका स्टेप काउंट का एक्यूरेसी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और डिस्टेंस ट्रैक 80% एक्यूरेसी आपको ये प्रोवाइड करेगा, क्योंकि गूगल मैप की हेल्प से डिस्टेंस ट्रैक करता है। कैलरी बर्न भी ठीक ठीक ही है, आप कैलरी बर्न कैलकुलेटर से कंपैरिजन कर सकते हो, 80% एक्यूरेसी आपको ये प्रोवाइड करेगा। कैलरी बर्न कैलकुलेटर आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। और इस वॉच का स्लीप एक्यूरेसी भी बाकी सारे वॉच की तरह ही है, 5-6 घंटे के लंबे स्लीप को कैलकुलेट करता है, लेकिन 2-3 घंटे के छोटे स्लीप को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसका एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखा रहा है वॉच का और ऑक्सीमीटर का। मैं 5 टेस्ट कर रहा हूँ और 5 टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो मैं बीच में से कोई भी टेस्ट को स्किप नहीं करूंगा, आप टाइम देख सकते हो। SPU2 का एक्यूरेसी क्या बताऊं, आप खुद ही देखो, खुद ही डिसाइड करो। इसका भी मैं सेम कुछ भी बीच में से स्किप नहीं करूंगा, 5 टेस्ट आपके सामने है। और अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 290 mAh का लार्ज बैटरी देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे 2 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया। मैं दिन में 7-8 कॉल अटेंड कर रहा था, बोले तो मैं 10-12 मिनट बात कर रहा था, और दिन भर ब्लूटूथ के साथ वॉच मेरा कनेक्ट था, और मैं 100% ब्राइटनेस में इसका इस्तेमाल कर रहा था, और मैं सरेंटी अलर्ट को ऑन कर रखा था, बाकी सारे अलर्ट्स ऑफ थे। मोबाइल ऐप का नाम है नॉइस फिट ट्रैक, और इसके होम में आपको पूरा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कि आप कितना स्टेप चले हो, SPU2 कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, और स्लीप एक्यूरेसी कैसा है। और सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है या नहीं, और हाँ, डीएफिट का ऐप भी इस वॉच के साथ कनेक्ट हो जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन है वॉच फेसेस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 98% वॉच फेसेस सिमिलर मिलेंगे डीएफिट के वॉच फेसेस से। और वॉच फेसेस कस्टमाइजेशन में आप कुछ भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड में अपना फेस लगा सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे, लेकिन हाँ, लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। और साथ ही में आप टाइम की पोजीशन को अप डाउन सेट कर सकते हो, और आप डेट, स्लीप, हार्ट रेट, स्टेप को ऐड कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो, और आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो। बस इतना ही कस्टमाइजेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल रहा है। और इसके नोटिफिकेशन में आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, और भाई कॉलिंग के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, नहीं तो जब भी
भी कॉल रिसीव होगा, सिर्फ नंबर शो होगा, नाम शो नहीं होगा। फिर है अलार्म शटर फेवरेट कॉन्टेक्ट। फेवरेट कॉन्टेक्ट में आप मैक्सिमम 8 कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है वॉच में। अदर्स में आपको सारे मेन कस्टमाइजेशन का फीचर देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है फाइंड डिवाइस, जो कि इसका परफेक्ट तरीके से काम करता है, वॉच वाइब्रेट करता है। फिर डू नॉट डिस्टर्ब, रिमाइंडर टू मूव, कंटिन्यूस हार्ट रेट, कंटिन्यूस हार्ट रेट को बंद रखना है क्योंकि ये बैटरी बहुत ज्यादा खींचता है। फिर म्यूजिक कंट्रोल, बैटरी सेवर, लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर आपको हिंदी नहीं मिल रहा है। फिर स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स और मिनिमम 5 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। फिर रीसेट। फिर क्विक व्यू, ये वही है, हाथ ऊपर करने से लाइट ऑन हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर हार्ट रेट, यहाँ पे आप मैक्सिमम हार्ट रेट सेट कर सकते हो, अगर वहां तक रीच हो गया तो वाइब्रेट करता है वॉच। फिर वेदर, बस यहाँ पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीचर्स नहीं मिल रहा है, इस वॉच में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। और थर्ड ऑप्शन में आप गोल सेट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना स्टेप चलना है। सो चलिए अभी एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का वाटर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी इन्होंने शेयर नहीं किया है, ना ही वॉच के डब्बे में, ना ही फ्लिपकार्ट पे, ना ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन फिर भी एक रिस्क लेके देखते हैं क्या होता है। अरे भाई, कॉलिंग की वजह से यार डिस्टर्बेंस हो गया, हो नहीं पाया वाटर टेस्ट, फिर से करेंगे। इसका स्टॉपवॉच काफी ज्यादा पसंद आया मुझे, क्योंकि स्टॉपवॉच ऑन रहने पर डिस्प्ले ऑफ नहीं होता है, सो लैप्स काउंट करने के लिए एक बेस्ट फीचर्स बन जाता है ये। सो दोस्तों, वाटर टेस्ट तो ये सरवाइव कर लिया है, और आप देख सकते हो इस वॉच के ऊपर आपको ओलिफोबिक कोटिंग भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से धूल मट्टी गंदगी इजिली स्क्रीन के ऊपर चिपकेगा नहीं, चिपक भी गया तो आप सूखे कपड़ों से पोंछोगे साफ हो जाएगा। आप देख सकते हो कि वाटर ड्रॉप स्क्रीन के ऊपर ठहर नहीं रहा है, फिसल के गिर जा रहा है, तो ये चीज काफी अच्छा लगा मुझे इसमें। और वॉच भी एकदम वर्किंग कंडीशन में है, तो इसमें आपको IP67 या IP68 का वाटर मिलेगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।